हालांकि पीएचडी एडमिशन पर हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज तक असिस्ट किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया है कौन कौन से ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसकी फ़ीस कम है, कैसे प्रोसेस होगा। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आप एडमिशन लेने की प्रक्रिया किस तरह से फॉलो करेंगे अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। जितने भी लोग एडमिशन लेंगे, अभी जितने भी एडमिशन अभी एनरोल होंगे फर्स्ट ईयर के बाद, उनमें से 50% ही स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी रिसर्च को आगे स्टार्ट कर पाते हैं या उनकी रिसर्च का हिस्सा बन जाते हैं, या फिर वो ऐसा कुछ कर ही नहीं पाते, मतलब उतनी अच्छी रिसर्च कर नहीं पाते, बार बार गाइड उनकी कमियां निकालता है और वो ड्रॉप आउट कर देते हैं सेकेंड ईयर तक आते आते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल ये क्यों है? वो इसलिए है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में उनका नंबर आता नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नंबर उनका आता नहीं। जब नंबर नहीं आता तो उनको पीएचडी भी करना ज़रूरी है क्योंकि उनको अपग्रेड करनी है अपनी एजुकेशन, साथ में अप्लाई करना है किसी भी जॉब के लिए, बट वहाँ सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो है पीएचडी एडमिशन। हालांकि पीएचडी एडमिशन पर हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज तक असिस्ट किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया है कौन कौन से ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसकी फ़ीस कम है, कैसे प्रोसेस होगा। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आप एडमिशन लेने की प्रक्रिया किस तरह से फॉलो करेंगे अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, क्योंकि हम अपनी वीडियोज़ लेकर आते हैं सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पर आधारित कि किस तरह से कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं। दोस्तों, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का सबसे पहला मोटो या सबसे पहला एजेंडा सिर्फ एक ही है कि उनको आपसे फीस लेनी है, मतलब कि वो कमाने के लिए ही बैठे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले। इतनी अच्छी सर्विसेज की तो मैं बात नहीं करूंगा, इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात भी शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी, एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी परसेंटेज है जहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उन स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती है जो रिसर्च कर रहे हैं किसी भी गाइड के अंडर। किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो फीस आप मान के चलिए कि कम से कम आपका 70,000 से 80,000 पर ईयर का बजट तो होना ही चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, अगर आपका इतना बजट नहीं है तो मेरा मानना है कोई भी ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर नहीं पाएंगे। और अगर सस्ती कोई यूनिवर्सिटी मिल भी गई, मतलब फीस मान लो 50,000 पर ईयर मिल भी गई, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके एडमिशन ले रहे हैं क्योंकि वो इस बात को भली भांति जानते हैं। जितने भी लोग एडमिशन लेंगे, अभी जितने भी एडमिशन अभी एनरोल होंगे फर्स्ट ईयर के बाद, उनमें से 50% ही स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी रिसर्च को आगे स्टार्ट कर पाते हैं या उनकी रिसर्च का हिस्सा बन जाते हैं, या फिर वो ऐसा कुछ कर ही नहीं पाते, मतलब उतनी अच्छी रिसर्च कर नहीं पाते, बार बार गाइड उनकी कमियां निकालता है और वो ड्रॉप आउट कर देते हैं सेकेंड ईयर तक आते आते। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर हालांकि बहुत सहूलियत मिलती है, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं, आसानी से पीएचडी कर तो सकते हो आप, गाइड के टच में रहकर यूनिवर्सिटी भी आपकी मदद करती है, बट आपको बहुत सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या क्या बातें हैं उन पर पहले वीडियोस बनाई हैं, आपको हमने अवेयर भी किया था प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, बट पहले कोशिश करें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, नहीं होता तो ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं। और आपका बजट जो मैंने आपको बताया 70,000 से 80,000 मिनिमम एक साल की फीस का होना चाहिए, साथ में ही आपके 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स कंप्लीट आपका होना ज़रूरी है, और जिस टॉपिक पर आप रिसर्च करने वाले हैं उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, और गाइड से आप बात करके अपने टॉपिक को अप्रूव करवा के साथ में जो रिसर्च करेंगे गाइड भी थोड़ा कोऑपरेटिव हो और यूनिवर्सिटी वाले ठीक से अगर आपको सपोर्ट करें तो मेरा मानना है जो पीएचडी आप एडमिशन लेंगे किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी तरह की असिस्टेंस चाहते हैं, किसी भी तरह की सहायता चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं पीएचडी से रिलेटेड, आप हमें कांटेक्ट जरूर करें, हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम उसका रिप्लाई भी आपको जरूर करेंगे, आपको बताएंगे जो भी कोई प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है उसका सॉल्यूशन देने की आपको कोशिश हम जरूर करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज जो हम लेकर आते हैं वो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।